क्या मास्टरबेशन हस्तमैथुन करने के बाद आपके लिंग में दर्द होता है और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और हम ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, हमारे पास पूरी क्वालिफाइड डॉक्टर की टीम है जिससे आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जो भी बीमारी हमसे डिस्कस कीजिए, चाहे आपको शीघ्र पतन की समस्या है या लिंग में तनाव की कमी है, वीर्य में शुक्राणु की कमी है, लिंग में छोटापन टेढ़ापन, कहने का मतलब कोई भी आपको सेक्स प्रॉब्लम है, तो आप हमसे बेहिचक कभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या जो ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट चाहता हूं, या प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए आगे बढ़ते हैं कि लिंग में दर्द क्यों होता है, आखिर हस्तमैथुन करने के बाद लिंग में दर्द। इसकी बहुत कंप्लेन या हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, सर जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो हमारे लिंग में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इसके बहुत रीजन है, आपको मेन में आपको रीजन बता देता हूं। हो सकता है कि जो आपका वीर्य है उसमें पस सेल ज्यादा बढ़ गई हो या इन्फेक्शन हो, तो जब वीर्य निकलता है तो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के कारण भी पेन होगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, अपना सीमन एनालिसिस कराना है, मतलब आपके वीर्य का टेस्ट कराना है। यदि उसमें पस सेल ज्यादा है तो उसको आपको ट्रीटमेंट कराना है, बहुत सिंपल है। फिर हम सेकंड बात करते हैं कि बहुत बार जब हमारे पास पेशेंट आता है और वो कंप्लेन बताता है कि सर मेरे लिंग में दर्द होता है मास्टरबेशन के बाद, तो जब हम उनसे पूछते हैं तो उन्हीं भी खुद अपना बताते हैं ये कारण है। बहुत से लड़के क्या होते हैं, क्या करते हैं कि जो अपना लिंग है उसको बहुत टाइट पकड़ते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे या ज्यादा मजा आएगा, तो अपने लिंग को इतना टाइट पकड़ते हैं, इतनी मसल्स को ऐसे दबा के रखते हैं, और बार बार जब ये घर्षण करेंगे हस्तमैथुन करेंगे तो जब हस्तमैथुन करने के बाद जो उनकी मसल्स हैं उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं अपना हाथ या अपनी फिंगर थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखूंगा तो इसमें भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत से लड़के हैं अपने जो लिंग को बहुत, मतलब ज्यादा मसल्स को ज्यादा दबाते हैं, तो बार बार उसको दबाओगे भीचने के बाद क्या होगा, उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा दबाने से या ज्यादा परिष्कार से वे ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी अपनी जो मसल्स है उसको डैमेज कर ले। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी चुका हूं कि आप अपने इस तरह से आप मास्टरबेशन ना करें, इससे आपकी जो लिंग की नसें हैं वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि बहुत बार जो लड़के हैं या 40 साल के बाद या 30 साल के बाद कभी ना कभी कुछ ऐसा भी होता है कि किसी अदर कारण से उनके लिंग में तनाव की कमी हो जाती है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि उनके लिंग में तनाव की कमी है। वे सोचते हैं कि ये ठीक है और उसको खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर से पकड़कर अंदर से बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और इतनी जान लगाते हैं जो मसल्स हैं, जो टिश्यू है टूट जाते हैं, मतलब सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो मसल्स हैं बहुत सॉफ्ट होती है, तो ज्यादा प्रेशर से जब ये अंदर से बाहर की तरफ खींची जाती है मसल्स, वे टूट जाती है, और वे कोशिश करते हैं कि यार इसको ज्यादा देर तक तनाव में रखने की लिंग को, तो वे ज्यादा देर तक उसको कोशिश करते हैं कि तनाव में रखने की, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जो ये प्रेशर वे डाल रहे हैं लिंग पर उसकी वजह से लिंग में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी गलती है जिसकी वजह से, और बहुत बार ऐसा होता है कॉमन हो जाता है कि थोड़ा बहुत मसल्स रिलैक्स होती है बाद में तो हल्का फुल्का दर्द हो जाता है, वो उसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट करो, वो दर्द नहीं है, लेकिन ज्यादा दर्द होता है जो मैं आपको बताया है, तो कहीं ना कहीं ये 3-4 कारण ही निकल के आते हैं। तो इन कारणों का ध्यान देना और समझना कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप कोई गलती कर रहे हो तो आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हो। मेरी वेबसाइट है www.drsachintomar.in या हमारा नंबर है, आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम कहीं ना कहीं आपको एक सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने चैनल बना है, इसका यही पर्पज है कि आपको सही नॉलेज और स्पेशली सेक्स एजुकेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि अपना आप पैसा बर्बाद ना करें और आपको प्रॉपर
नॉलेज मैं दे सकूं वीडियो के माध्यम से, और जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप इनको ज्यादा शेयर करोगे जो आपके फ्रेंड के पास या आपके रिलेटिव के पास ये वीडियो जाएगी, तो जब ये देखे कहीं ना कहीं वे भी समझेगी कि हम जो कर रहे हैं वे गलत कर रहे हैं और अपना पैसा बर्बाद करने से भी बच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।